नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 की ऑफिशियल आंसर की जो है यहां पर रिलीज कर दी गई है। आप सभी ने अपने मार्क्स जो है चेक कर लिए होंगे दोस्तों। यहां पर अब आपके पास टाइम मिलेगा कि आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, उसके बाद दोस्तों आपका जो है फाइनल आंसर किया आएगा, और उसके बाद रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आपका जो है फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, 10 गुना कैंडिडेट्स को टोटल वैकेंसीज के जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं 6 लाख के करीब कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, कितनी आपकी हाइट मांगी जाएगी, क्या आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेगा, यानी फिजिकल के क्या मार्क्स रहने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप ये वीडियो देखते रहिएगा। उसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिख रहे घंटे के आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर बात करें दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा, जिसमें आपकी रनिंग होगी दोस्तों, रेस होगी। मेल कैंडिडेट के लिए ये 5 किलोमीटर रहने वाली है, 24 मिनट में आपको पार करनी होगी। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसमें यहाँ पर जो है 1.6 किलोमीटर रन रहने वाली है, 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को पास करनी होगी। उसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनमें यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट को 1 मील की रनिंग होगी 6.5 मिनट में, उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 400 मीटर रनिंग होगी 4 मिनट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ और बातें इन्होंने बताई हुई है कि जो एक्स सर्विसमैन है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनको जो है यहाँ पर केवल और केवल फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, वेट होगा, उनके लिए कोई भी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों ये बातें इन्होंने क्लियरली बताई हुई हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब मापा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्लियरली कहा हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड लेड डाउन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल राइफलमैन्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट की जो हाइट मापी जाएगी, ऊंचाई होगी, वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी कम से कम 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो एसटी कैंडिडेट्स हैं शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं, उनकी जो यहाँ पर कम से कम हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 162.5 होनी चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी कुल 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट्स को भी बताया हुआ है, जैसे कि जो कैंडिडेट शेड्यूल से बिलोंग करते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, इनकी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और जो है इनसे बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो मिनिमम हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 147.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों मिनिमम हाइट बताई हुई है जो कि स्पेशल ट्राइब्स होते हैं, जैसे कि गढ़वाल्स हो गई, कुमिनोज हो गई, डोगराज, मराठाज, इन कैंडिडेट्स की जो यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं, अगर ये असम में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट रखी गई है 155 सेंटीमीटर रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और कंडीशन इन्होंने बताई हुई है, जो कि कैंडिडेट बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा से, उनकी यहाँ पर जो मिनिमम हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद दोस्तों कुछ और जो है इन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट मुजोज सब डिवीजन ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो दोस्तों चेस्ट में भी आप सभी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि जो कैंडिडेट हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जनरल एससी और ओबीसी मेल कैंडिडेट की दोस्तों जो चेस्ट रहेगी वो यहाँ पर आपकी जो है 80 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपके पास एक्सपेंशन होना चाहिए। बाकी सभी में दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, 76, 78, 77, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका जो है मस्ट है। वेट दोस्तों इन्होंने बताया हुआ कि आपका जो वेट है वो हाइट के प्रोपोर्शन होना चाहिए, आपकी जो एज है, हाइट है, उसके प्रोपोर्शन आपका जो है वेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा था आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मैं आपको बता दूं दोस्तों आपकी आंसर की तो आप सभी ने मिला ली होगी। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वैकेंसीज के, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं आपका सिलेक्शन होने की। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है, फिजिकल फिटनेस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, रोजाना रनिंग कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी
भी आपकी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा ये भी इसमें भी जो है आपके लिए ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा है। तो अगर आपने एग्जाम दिया था तो डेफिनेटली आप जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी जानकारी जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है आप जानना चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिख रहे घंटे आइकन को दबा लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद जय भारत।